जिस महिला को आप देख रहे हैं वो एक सरकारी कर्मचारी है और इन पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दरअसल राजस्थान के जयपुर से घुसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें पूरा का पूरा दफ्तर ही घूस लेते पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, पकड़े जाने पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने तर्क दिया कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो कैसे मना करें। मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर शहर के विकास का जिम्मा संभालने वाले जयपुर विकास प्राधिकरण की डिप्टी कमिश्नर ममता यादव समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया है। घूस लेते हुए पकड़े जाने के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ममता यादव एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के सामने हंस रही थी। खैर, ममता ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था कि जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए तो भला कैसे मना कर सकते हैं। हमने अधिकारी से बात की, सुनिए। परिवादी आए थे सिद्धार्थ नगर के रहने वाले, उनके टोटल 10 लोगों के पट्टे थे, उसमें जेडीए के द्वारा काफी पैसे वैसा मांगा गया था। उसमें जो परिवादी के कुछ के 3 पट्टे थे उनके और उनके परिवार के, और उसमें नीचे से लेके ऊपर तक डीसी जोन तक पैसे मांग रहे थे। उसका वेरिफिकेशन हमारे एसआईयू यूनिट के इंचार्ज बजरंग सिंह को दिया गया था। उसमें करीब 7-8 दिन से वेरिफिकेशन हुआ और उसमें जो डीसी है जिस तरह से अभी तक आई है हमारे, उसमें करीब 3 से 3.5 लाख तक और अलग अलग समय अलग अलग पैसा मांगा और आज पैसा ले रहा था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कल देने के लिए कह दिया था। और दूसरा जेईए 1 लाख लेकर पकड़ा गया, तो मांग तो और ज़्यादा था। और भी जो 3 अधिकारी हैं उनको पकड़े गए और सबके घर 5-6 जगह सर्च चल रही है अलग अलग टीमों द्वारा, और इसका जो इन्वेस्टिगेशन हम एफआईआर दर्ज करेंगे, दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई थी कि जवाहर सर्किल के सिद्धार्थ नगर में एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन का पट्टा लेना चाह रहा था। इसके बदले डिप्टी कमिश्नर ममता यादव 6.5 लाख रुपए और जूनियर इंजीनियर श्याम 3 लाख रुपए मांग रहे थे। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाल बिछाया और फिर आरएएस अधिकारी ममता यादव, जयंत श्याम, नक्शा पास करने वाला कर्मचारी विजय मीणा, अकाउंटेंट राम तूफान मंडोतिया समेत कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश मौर्य सभी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।